आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज हम यहाँ पर संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम पम्मिका सिंह है। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज मुझे इस प्रतियोगिता को संचालित करने का अवसर मिला है। आदरणीय प्रधानाचार्य की जो संस्कृत के प्रति निष्ठा और अनुराग है, उसे देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ है। शायद यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। दुनिया भर में सिर्फ संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, जिसका कारण उसकी शुद्धता है। जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली थी, तब प्रश्न उठा था कि कौन सी भाषा इसके लिए चुनी जाए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता। जो आप बोलते हैं वही वह लिखता है और जो लिखा जाता है वही वह पढ़ता है। इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी वैज्ञानिक होनी चाहिए और ध्वनि की दृष्टि से भी वैज्ञानिक होनी चाहिए, अर्थात जो बोला जाए वही लिखा वे पढ़ा जाए। आज मैं गर्व के साथ मस्तक ऊंचा करके कह सकती हूँ कि विश्व की तमाम भाषाओं की समीक्षा करने के बाद जिस भाषा को कंप्यूटर के लिए सर्वथा उपयुक्त पाया गया वह संस्कृत भाषा है, क्योंकि जैसे अंग्रेजी में नो भी नो है और के एन ओ डब्ल्यू नो भी नो है। अगर आप कंप्यूटर को लिखेंगे आई के एन ओ डब्ल्यू नो दिस, तो वह लिखेगा आई नो दिस, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कहीं टी साइलेंट है तो कहीं पी। बोलते हैं एंटरप्रेन्योर और लिखते हैं एंटरप्रेन्योर, वह विवेकहीन कंप्यूटर इसे कैसे देखेगा। लेकिन जो संस्कृत में बोला जाता है वही लिखा जाता है। यहाँ तक कि छोटी ई और छोटा ओ की ध्वनियाँ भी अलग अलग है। यदि हमने इति बोला तो छोटी ई, यदि हमने दही बोला तो बड़ी ई। संस्कृत केवल एक मात्र भाषा ही नहीं है, अपितु संस्कृत एक संस्कृति है, एक विचार है। संस्कृत एक संस्कार है। संस्कृति में विश्व का कल्याण है, शांति है, सहयोग है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। भारत के इतिहास में सबसे अधिक मूल्यवान और शिक्षाप्रद सामग्री शास्त्रीय भाषा संस्कृत में ही लिखे गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय में भी संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता वाया जूम द्वारा आयोजित की गई है। इसमें प्रत्येक सदन के दो दो छात्र हिस्सा ले रहे हैं। चलिए अब इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। परम आदरणीय प्रधानाचार्य, विभाग अध्यक्ष महोदय, शिक्षक वृंद, मम प्रिय बांधवाश्च, भक्तव्य नमो नमः। अहम साक्षी कक्षा अष्टम छात्र अस्ति। एक द्वे सप्त पंच मम अभिज्ञान पहचान संख्या अस्ति। भगवत सदनस्य सदस्य रूपेण अस्मि। संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता प्रतिभाग अदाहम करोमि। मम प्रभारी शिक्षकाया नाम निर्मल त्यागी इति अस्ति। मम विषय मधुराश्रितम अस्ति। अदाहम भवतम समक्ष गीताया श्लोक प्रस्तुतम करोमि। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के मधुरतम रूप का वर्णन किया गया है, अर्थात आपके होंठ मधुर हैं, आपकी आंखें मधुर हैं, आपकी बातें मधुर हैं, आपका हंसना मधुर है, आपका हृदय मधुर है, आपका चलना मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सर्वस्व मधुर है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अर्थात आपका बातें करना मधुर है, आपका चरित्र मधुर है, आपके वस्त्र मधुर है, आपका तिरछा खड़ा होना मधुर है, आपका चलना मधुर है, आपका घूमना मधुर है। मधुरता के ईश हे श्री कृष्ण, आपका सर्व
प्रतियोगिताये भवान सर्वेभ्यः समक्षम् प्रस्तुत अस्मि। मम विषये नियमित प्रार्थना अस्ति। प्रारंभ पुरुष से आज्ञापयत्। प्रथम श्लोक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा। अर्थात हे अति के जैसे विशालकाय गणेश, जिनका तेज सूर्य की सहस्त्र किरणों के समान है, सदा मेरे सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण करें। द्वितीय श्लोक। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी हो, आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। तृतीय श्लोक। तुलसी श्री सक शिवे पाप हारणी पुण्य दे दीपो हर तुम्हें पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अर्थात हे तुलसी, तुम लक्ष्मी की सहेली, कल्याणप्रद, पापों को दूर करने वाली, भगवान विष्णु के मन को प्रिय लगने वाली, आपको नमस्कार है। दीपक के प्रकाश को मेरे पापों को दूर करने दो, दीपक के प्रकाश को प्रणाम है। चतुर्थ श्लोक। कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती कर मूलेत गोविंद प्रभाते कर दर्शनम प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथों के अग्रभाग में देवी लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती का निवास है और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रभात काल में मैं इन तीनों को दर्शन करती हूँ। अंतिम एवं पंचम श्लोक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव त्वमेव। प्रियं भारतं श्लोक प्रस्तुत करोमि। प्रकृतिया सुगम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारे ललालं निकामं हिमाद्री ललाटे पदे चैव सिंधु प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम् प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम्। अर्थात हमारा प्रिय भारत विशाल और सुंदर है, इसके माथे पर हिमालय और पैरों में समुद्र है, ये दर्शन के योग्य है। धनानं निधानं धरायां प्रधानं इदं भारतं देवलोकेन तुल्यं यशोयास्ति शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम्। हमारा प्रिय भारत जो धन का खजाना है और पृथ्वी पर प्रधान देश है, ये पूजा के लिए योग्य है। अनेके प्रदेशानेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषानेका परम यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम् प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम्। हमारे प्रिय भारत में अनेक देश हैं, अनेक वेशभूषा है, अनेक प्रकार के लोग हैं और उनके अनेक भी भाषाएं भी हैं, फिर भी सब एक रूप में भारतीय हैं, ये रक्षा के लिए योग्य है। सुधीरा जनायत्र युद्धेषु वीरा शरीरापणेनापि रक्षन्ति देशम् सुधीरा जनायत् सुशीला शिनार्य प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयम्।
प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयम्। हमारे देश में धैर्यवान लोग हैं जो अपना बलिदान करते हैं फिर भी देश की रक्षा करते हैं। हमारे देश में अनेक नारियां हैं जो सुशील हैं और अपने धर्म पर चलने वाली हैं। ये प्रशंसा के लिए योग्य है। वयं भारतीयासु भूमि नमामि परम धर्ममेकं सदा मानयामि परम यत् सर्वे वयं चार्पयामि प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम् प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम्। हम अपने भारत को नमस्कार करते हैं। हमारे प्रिय भारत हमेशा वंदना के लिए योग्य है। वंदे मातरम्। जय हिंद। धन्यवाद।